कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। तो हे गाइस, अभी आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू में देखा है, तो प्रीव्यू को जैसा ही एक खाटू श्याम स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको VN ऐप का जरूरत पड़ेगा। VN ऐप आप लोग को इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए मैं जितने भी मटेरियल का यूज करूंगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब चलिए अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको ले चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप लोग इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो। सो मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आप लोग अपना VN एप्लीकेशन यहां से ओपन कर लेना। अब यार यहां पर आप लोग ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर आ जाएगा। अब आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन यहां पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी गैलरी यहां से ओपन हो जाएगी, फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड खाटू श्याम बाबा का एक इमेज यहां से आप लोग को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो इमेज आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग को इमेज को यहां से ऐड कर लेना है, देन नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये VN ऐप के अंदर आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद आप लोग को ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड साइज को यहां से आप लोग को 9x16 करना है, देन एक बार आप लोग स्क्रीन पर टाइप कर देना। अब आपको वीडियो के लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर लास्ट में आओगे तो एक वाटरमार्क दिखेगा, इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है, तो यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना। अब इतना हो जाने के बाद गाइज यहाँ पर आप लोग अपनी इमेज पर क्लिक करना एंड इमेज का ड्यूरेशन आप लोग को बढ़ा लेना है। जितना देर का आप स्टेटस वीडियो एडिट करना चाहते हो, तो यहाँ से मैं 14 से 15 सेकंड का वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इतना मैं कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से कर लेना। अब गाइस इतना हो जाने के बाद वीडियो के फर्स्ट में आप लोग को आ जाना है एंड अपनी इमेज पर एक बार क्लिक करना है एंड नीचे साइड में बहुत सारा आप लोग को टूल दिखेगा, तो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ से स्क्रॉल करना है। एक ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर BG का दिखेगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना। देन क्लिक हो जाने के बाद यहाँ पर इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको अपने दोनों फिंगर की मदद से यहाँ पर इसको फोटो को पकड़ना है एंड नीचे की तरफ यहां से कुछ इस प्रकार से आप लोग इसको स्क्रॉल कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद यहां पर दोबारा से BG के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहां से इसका ब्लर का ड्यूरेशन है, इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। जितना ज्यादा जितना कम आप ब्लर रखना चाहते हो यहां से आप लोग कर लेना। यहां से मैं 13x14 ब्लर रख रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से करके राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। गाइस इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पर ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन वीडियो को एक मैं यूज़ करूँगा, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब उसको ऐड करना है यहाँ पर, तो प्लस के आइकन पर क्लिक करना, वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग इस वाले ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो को आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर ऐड हो जाने के बाद गाइस नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, बहुत सारा टूल दिखेगा, फील का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लेना। अब नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देना, एक ऑप्शन यहां पर आप लोग को क्रोमा का दिखेगा, तो इस पर आप लोग क्लिक करके यहां से इस प्लस वाले आइकन को उठा के आप लोग को यहां पर ब्लू पर ऐड कर देना है, देन यहां से राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो गाइस इतना हो जाने के बाद यहां से आप लोग थोड़ा सा मतलब लास्ट में आइएगा एंड यहां से जिसका ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन का जितना ड्यूरेशन होगा यहां तक आप लोग टाइम लाइन को लेके आना एंड यहां से कुछ इस तरीके से फोटो को आप लोग यहां से कट करके यहां से इसको डिलीट कर देना। अब इस वाली वीडियो को अपनी गैलरी में इसको सेव कर लेना, तो सेव करने के लिए यहां पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करना, देन एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका जो वीडियो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। सो अभी आपका वीडियो बन के रेडी नहीं होगा, ये आपका पहला स्टेप है जो यहाँ से आप लोग इसको एक्सपोर्ट करोगे। सो गाइस देख सकते हो यहाँ से हमारा वीडियो फाइनली एक्सपोर्ट हो गया है। अब डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड दोबारा से यहीं से प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपने जो फोटो पहली बार में ऐड किया था वही फोटो आप लोग दोबारा से ऐड कर लेना। देन ऐड हो जाने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब आपको सेम प्रोसेस वही करना है, ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन साइज को 9x16 करना है, देन एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, वीडियो के लास्ट में आना है, यहाँ पर वाटरमार्क दिखेगा, इस वाटरमार्क का हमें कोई काम नहीं रहता है, तो यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना। इमेज पर क्लिक करना, इमेज का ड्यूरेशन उतना बढ़ा लेना जितना आपने पहली बार में बढ़ाया था। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है, यहाँ पर आप लोग को उस वाले वीडियो को यहाँ पर पेस्ट करना है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट किया था, अपनी गैलरी में सेव किया था। तो इस वीडियो को यहाँ पर लाने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, वीडियो के ऑप्शन पर जाना है एंड यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन पर जाकर आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था आपका यहाँ पर रखा हुआ है, इसको यहाँ से आप लोग ऐड कर लेना। ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, बहुत सारा आप लोग को टूल दिखेगा, तो यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा फील का, तो इस पर आप लोग क्लिक करना एंड यहाँ से इसको आप लोग फुल स्क्रीन में कर लेना। अब गाइस इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा प्ले करना एंड यहाँ पर आप लोग देख लेना जितना आपका ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन का साइज होगा मतलब ड्यूरेशन होगा, यहाँ से आप लोग इसको यहाँ पर लाकर टाइमलाइन को यहाँ से इसको कट कर देना, कट करके इसको यहाँ से आप लोग डिलीट कर देना।
तो गाइज इतना हो जाने के बाद अब आपको अपनी ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करना है ऊपर साइड में, एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, एक ऑप्शन आपको क्रोमा का देखेगा तो इस पर आप लोग क्लिक करना, एंड यहाँ पर इस प्लस वाले आइकन को उठाकर आप लोग को यहाँ पर ग्रीन वाले बॉक्स पर रख देना है, एंड यहाँ से डट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इतना हो जाने के बाद अपनी ओरिजिनल वाली फोटो पर आप लोग को क्लिक करना है, एंड यहाँ से अपने फिंगर से कुछ इस प्रकार से आप लोगों को फोटो को जूम कर लेना है, मतलब यहाँ पर आप लोग को फ्रेम में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर फोटो को एडजस्टमेंट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पर करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से आप लोग को फोटो को ऐड कर लेना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद एक बार आप लोग स्क्रीन पर टैप करना एंड वीडियो के फर्स्ट में आ जाना। अब आपको यहाँ पर एक खाटू श्याम बाबा का राइटर नेम यहाँ पर ऐड करना है, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर ऐड करना है तो प्लस के आइकन पर जाना, वीडियो एंड फोटो के ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर फोटो के ऑप्शन पर जाकर इस वाले आपको राइटर PNG को आप लोग को यहाँ से ऐड कर लेना है, एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन देखेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना, एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके इसको यहाँ से आप लोग स्कैन कर देना, देन डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब इसको अपने फिंगर से पकड़ कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेना, एंड यहाँ पर आप लोग ऊपर साइड में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको ऐड कर देना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा मत करना, यहाँ पर आप लोग छोटे साइज में करके इसको यहाँ से डन कर देना। अब गाइस इतना हो जाने के बाद इसका जो ड्यूरेशन होगा फुल वीडियो में नहीं होगा, तो यहाँ से क्लिक करके इसको फुल वीडियो में एंड तक कर देना। अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। अब यहाँ पर मैं एक लाइट इफेक्ट वीडियो को ऐड करूंगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर लाइट इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है तो प्लस के आइकन पर जाना, वीडियो के ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर वीडियो के ऑप्शन पर जाकर आप लोग को इस वाले लाइट इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना है। नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करके फील के ऑप्शन पर जाना है, इसको फुल स्क्रीन में कर लेना है। अब नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आपको ब्लेंडिंग का देखेगा तो इस पर आप लोग क्लिक करना, एंड यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीन करके डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब इसका जो वॉल्यूम रहेगा यहाँ से क्लिक करना, एंड इसको यहाँ से आप लोग माइनस कर देना। तो इतना हो जाने के बाद अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को ऐड करूंगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इसको ऐड करना है तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर जाना, वीडियो के ऑप्शन पर जाना, एंड यहाँ से वीडियो के ऑप्शन पर रहकर यहाँ पर आप लोग इस वाले पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को ऐड कर लेना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर फील का देखेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको फुल स्क्रीन में कर लेना। अब आपको नीचे साइड में थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है, एक ऑप्शन आप लोग को ब्लेंडिंग का देखेगा तो इस पर आप लोग क्लिक करना, एंड यहां से इसको स्क्रीन करके डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो गाइस इतना हो जाने के बाद फाइनली आपका वीडियो बन के रेडी हो जाएगा, जिस तरह का वीडियो आप लोगों ने प्रीव्यू में देखा था। तो यहां से मैं एक बार वीडियो को प्ले करके आप लोगों को और दिखा देता हूं। सो गाइस फाइनली हमारा वीडियो बनके रेडी हो गया है। अब इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करना है तो यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, इसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर लेना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे किसी और एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।